अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नए प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है ZX लोशन। तो व्यूवर, वीडियो शुरू करने से पहले जिस व्यूवर ने हमारे चैनल अनीस फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल अनीस फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहले पहुँच सके। तो जी व्यूवर्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ZX लोशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जी व्यूवर्स, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है जिस्म पर, या फिर पुरानी से पुरानी ख़ारिश है, उन्हें एलर्जी है उनके जिस्म के ऊपर। तो उस सूरत में वो ZX लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है उसका नाम है प्री मैथरिन, जो कि एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 5% WB पाया जाता है, वो भी मतलब समझ लें कि एलर्जी को ख़त्म करने के लिए ही पाया जाता है। एलर्जी किस तरह से होती है आज हम आपको, जैसा कि आपको मच्छर, किसी मच्छर ने काट लिया और उसके अंदर जो एसिड होता है, या फिर कोई और मसला हो गया, मतलब कि मच्छर ने नहीं भी काटा तो ऐसे एसिड आपके जिस्म के अंदर, मतलब जिल्द के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, खुजली होती है आपके जिस्म के ऊपर, या फिर ज़ख्म हो जाते हैं मतलब कि ख़ारिश कर करके। तो उस सूरत में आप सिर्फ़ और सिर्फ ZX लोशन का इस्तेमाल करें। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, इसके एक बार इस्तेमाल करने से काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाता है। तो जी व्यूअर्स, आज हम आपको इसके तरीका इस्तेमाल बताएंगे ZX लोशन का, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। रात को सोने से पहले आपने सबसे पहले गुसल करना है और जिस्म को तौलिए से अच्छी तरह से साफ कर लेना है, रगड़ लेना है। मतलब के आप ZX लोशन का इस्तेमाल मतलब के सर से लेके अपने मतलब के गर्दन, सर से नीचे गर्दन से लेके पाँव तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस्म का आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा रह ना जाए, मतलब कि सारे जिस्म उंगलियों के दरमियान में, कलाइयों में, बगलों में भी लगा लें आप, मखसूस जगह पर अच्छी तरह से मलना है आपने इसको। मतलब कि अगर आपके बगलों में ख़ारिश होती है या फिर वहाँ पे कोई भी ऐसी एलर्जी हो गई, तो उस सूरत में आप भी ZX लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ZX लोशन जो है, इसको आपने कम से कम अपने जिस्म पे 12 घंटे तक लगे रहने देना है। 12 घंटे के बाद आपने अपना जिस्म को धोना है, उसके बाद फिर आपने वो करना है। अगर घर में मतलब कि 2 माह से बड़े बच्चे हैं, मतलब कि उनको भी आप लगा लें, ताकि आप लोगों की वजह से उन छोटे बच्चों को ख़ारिश या फिर एलर्जी ना हो जाए उनके जिस्म पे। अगर मतलब कि ज़रूरत पड़े तो अगर आप हफ्ते में इसको 2 बार इस्तेमाल करें, अगर ख़ारिश से मुकम्मल निजात आप चाहते हैं, तो फिर जो मतलब कि ख़ारिश वाला बंदा है, उसके जो कपड़े हैं उसको गर्म पानी में 15 मिनट तक रखें और उनको इस्त्री करके फिर उनको दें। तो मार्टिन डो कंपनीज की प्रोडक्शन करती है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी की। तो अगर हम इसके मतलब के पैकिंग की बात करें तो 60 ml में ये हमारे पास पाया जाता है, और अगर कीमत आपको बता दें तो तकरीबन 140 रुपये में ये हमें मिल जाता है। सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, महंगा भी नहीं है, और एलर्जी का मतलब के बहुत ही अच्छा ये किस्म का लोशन है एलर्जी के लिए। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो ZX लोशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।